सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका उषा कौशिक। आज मैं आपको वर्ग 3 की हिंदी व्याकरण पढ़ाऊंगी। तो बच्चों, इस पाठ को हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पाठ 2 वर्ण। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। और वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण जो है उसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, और व्यंजन वर्ण के उच्चारण में स्वर की सहायता ली जाती है। 4 संयुक्त अक्षर भी हम लोग पढ़े थे, तो आज इसी का हम अभ्यास करेंगे। आप अपने कॉपी पेंसिल निकालेंगे और किताब भी निकालेंगे, उसमें देखेंगे कि कहाँ से आपका ये प्रश्न लिखा गया है, और अपनी कॉपी पे पेंसिल से लिखेंगे सुंदर अक्षरों में। तो बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा है, वर्ग 3 पाठ 2, शीर्षक है वर्ग। सही शब्द चुन करके अभ्यास है आपका, सही शब्द चुन कर रिक्त स्थान की स्फूर्ति कीजिए। यहाँ पर लिखा है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं, संयुक्त कहते हैं कि वर्ग, वर्णमाला। 11 तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे वर्ण, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होता है। यहाँ है क्रम से लिखे गए वर्णों के समूह को डैश कहते हैं। क्रम से जो लिखे गए वर्णों के समूह होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, जैसे हम उस दिन आपको बताए थे क, ख, ग, घ, छ, छ, ज, झ, या, ट, ख, ड, भ। तो ये आपको क्या बन गया, वर्णमाला बन गया। तो वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं, हम वर्णमाला कहते हैं। तो आपको यहाँ पर लिखाएगा वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। अब आपको यहाँ है ग, 2 व्यंजनों के मेल से डैश बनते हैं। 2 व्यंजनों के मेल से क्या बनते हैं, बताए थे आपको 2 व्यंजनों के मेल से संयुक्त व्यंजन बनते हैं, जो 4 है, छ, त्र, ज्ञा और स। तो आपको इसको लिखना है यहाँ पर, 2 व्यंजनों के मेल से संयुक्त व्यंजन बनते हैं। ये आपका ग हो गया। घ, 3 वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है, उन्हें डैश कहते हैं। तो हम बताए थे कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। व्यंजन से व्यंजन कहते हैं, यहाँ पर लिखा है आपको व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण में स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें हम कहते हैं व्यंजन। व्यंजन के उच्चारण में स्वर की सहायता ली जाती है। आपको यहाँ पर देखिए, ये हो गया आपको क, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। ख, क्रम से लिखे गए वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। और 2 व्यंजनों के मेल से संयुक्त व्यंजन बनते हैं। हम जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। अब आपको यहाँ पर आइए, प्रश्न संख्या 2 है, स्वर और व्यंजन छांट कर अलग अलग स्थान पर लिखिए। आपको इसमें स्पेस जो बना हुआ है बच्चों, इसमें स्वर और व्यंजन है, और स्वर और व्यंजन को छांट करके इस टोकरी और इस टोकरी आपको लिखना है। तो यहाँ पर आपको लिखना है स्वर, एक में लिखना है क्या, व्यंजन। आपकी किताब में भी यहाँ पर दिया हुआ है, पेड़ बना करके यहाँ स्वर और यहाँ पर व्यंजन लिखना है। आपको इसमें से छांटना है कि स्वर कौन है और व्यंजन को ढूंढिए। प, प, न, च, ये सब क्या है, ये व्यंजन है कि स्वर है। ये आपका प जो है वो व्यंजन वर्ण है, प जो है वो व्यंजन वर्ण है, न जो है वो व्यंजन वर्ण है। और खोजिए प, प, न, उसके बाद च भी है जो व्यंजन वर्ण है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको ख है, व्यंजन वर्ण है, ग है, व्यंजन वर्ण है। तो आपका व्यंजन वर्ण जो बच गया उसको और अपनी किताब से ढूंढ करके
और किताब में इसको लिखिएगा और कॉपी में भी इसी तरह से पेज बना करके उसको लिखना है। अब आपको स्वर ढूंढना है, स्वर कहाँ है, अ आ ओ, देखिए उ दीर्घी, तो आपको इस टोकरी में क्या लिखना है, स्वर लिखना है, इसमें लिखना है अ ई उ, इसके बाद ए ओ, ओ ये आपको हो गया क्या, स्वर व्यंजन हो गया, स्वर हो गया, स्वर हो गया ये, और उसमें क्या हो गया व्यंजन, और जो भी बच गया उसको ढूंढेंगे और अपने अपनी कॉपी में टोकरी बनाएंगे और बड़ा सा टोकरी बनाकर उसमें क्या करेंगे, स्वर और व्यंजन को रखेंगे। जिस प्रकार टोकरी में क्या रखते हैं, फल रखते हैं, उसी तरह से आप स्वर और व्यंजन को रखेंगे। और तीन में निम्नलिखित संयुक्त व्यंजन किन किन व्यंजनों के मेल से बने हैं, लिखिए जो संयुक्त व्यंजन आपको किन किन मेल से बने हैं, वो आपको हम पढ़ाए थे कि संयुक्त व्यंजन किन किन व्यंजनों के मेल से बने हैं। तो ये आपको स्मरण होगा कि छ क्या क्या चीज से बना है, क और श से, इस दोनों को जोड़े हैं तो आपको क्या बना है, आपको बना है छ। इसके बाद क्या है, ज्ञ, ज्ञ आपको क्या क्या चीज से बना है, ज और ज्ञ से, ज और ज और क्या चीज से बना है, ज और यहाँ से बना है आपको ज्ञान। अब आपको बना है त्र, त्र क्या चीज से बना है, त और र से, यहाँ पर लिखेंगे त और र से बना आपको त्र, हो गया त्र। और श क्या बना है, स और र से आपको बना है स्र, यहाँ पर लिखना है स और र से बना है स्र। एक बात आपको ध्यान देना है कि आपको क्या करना है, ज और यहाँ से ये हलंत का उपयोग करना, हम आपको बताए थे कि जब भी आपको वर्ण विच्छेद करना रहेगा, वर्णों को अलग करना रहेगा, तो ये हलंत का हम इस्तेमाल करते हैं, जिसमें से आपका है जो वो वर्ण जो है वो आधा हो जाता है। तो बच्चों ये आपका प्रश्न एक दो और तीन पाठ दो का हो गया, और आगे आपको एक और बनाना है जिसमें की है ये है, चित्रों को पहचानिए तथा उचित स्थान पर अनुस्वार या अनुनासिक लगा करके लिखिए। आपको चित्रों को पहचानना है, जैसे क्या है, चांद, चांद पर बिंदु होगा कि चंद्र बिंदु होगा, इसको बना करके फोटो बनाना और यहाँ पे इसको लिखना है। बंदर, बंदर में क्या लगेगा, बिंदु लगा कि चंद्र बिंदु, आंख और हंस, इसको फोटो के साथ आपको अपनी कॉपी में बनाना है, ये आपका होमवर्क है, इसको आप अपने घर पे अच्छे से बनाएंगे। तो इस पाठ में हम वर्ण के बारे में जाने, स्वर के बारे में जाने, संयुक्त व्यंजन के बारे में जाने। तो बच्चों इसी के साथ मैं आज अपनी कक्षा यहीं पे समाप्त करती हूँ, और आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और इसको याद भी करेंगे, क्योंकि फिर आपकी परीक्षा होने वाली है। तो इसी के साथ मैं खत्म करती हूँ अपने क्लास को, धन्यवाद।